हेलो और कैसे हो। आज से लगभग 8 दिन पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, क्या नहीं देखी है? क्या करो यार, जाके चैनल में जाओ और वीडियो को देखो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में यार कमेंट आया था ये वाला, हिल क्लाइंबिंग रेसिंग, वो भी RTX ऑन। और इसमें तुम लोग जानते हो मजे की बात क्या है, मेरे पास RTX है ही नहीं। पता नहीं मेरे को क्या सूझी और मैंने उसे रिप्लाई दिया, आई विल ट्राई माई बेस्ट ब्रो। इतना कहने के बाद मैं चल दिया अपने पीसी का गला घोटने, नहीं यार गेम को बनाने के लिए। अब मैं अपने गेम बनाने के लिए यूनिटी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैं प्रोजेक्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाता, अब बारी थी एसेट्स की। कुछ एसेट्स मेरे को एसेट स्टोर से मिल जाते हैं और कुछ के लिए यार मेरे को स्केच पैप पे जाना पड़ता है। क्या मतलब मैंने वहां से चुराए? स्केच पैप से चुराने यानी डाउनलोड करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ अपनी यूनिटी में, जहां मैं अपने सभी एसेट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे एसेट्स इंपोर्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी गेम बनाना शुरू कर देता हूँ। और इस पे 4 से 5 घंटे लगाने के बाद फाइनली यार मेरी गाड़ी चलने लगती है, वो भी ऐसे। और इसको ठीक करने में यार मेरे को बहुत ही ज्यादा ही टाइम लग गया, बहुत ही ज्यादा से मतलब मेरे इसमें 2 से 3 दिन आराम से चले गए। इसके बाद मैं जैसे इसे प्ले करता हूँ ये कुछ ऐसा बिहेव कर रही होती है। और यार पता नहीं मेरी गाड़ी फाइनली एडजस्ट करने पे चलने लगती है और इसे देखे यार मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब हमारी गाड़ी चलने लग पड़ी थी और अब बारी थी इसके लिए टेरेन यानी कि इसकी जमीन को बनाने की। इसके लिए यार मैं यूज करता हूँ ब्लेंडर को। ब्लेंडर को ओपन करने के बाद यार इसमें मैं इसे बनाना शुरू कर देता हूँ। और मजे की बात पता क्या है, मेरे को ब्लेंडर चलाना ही नहीं आता, मेरे को पता ही नहीं है इसमें मॉडल कैसे बनाए जाते हैं। यार बहुत ही कोशिश करने के बाद मैं थका हार के अपने मित्र स्केच पैप के पास जाता हूँ। वहां से यार मॉडल को डाउनलोड कर लेता हूँ और अपनी यूनिटी में इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद यार मैं इसके लेवल को बनाना शुरू कर देता हूँ। इसके मैप को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करता हूँ पाइन ट्रीज को ऐड करने के बाद यार एक के बाद एक लगाता जाता हूँ और साथ साथ में गेम को भी टेस्ट करता जाता हूँ। उसके बाद मैं कुछ और ज्यादा ट्रीज को ऐड करता हूँ। ट्रीज को ऐड करने के बाद यार मैं इसमें रॉक्स को भी ऐड कर देता हूँ ताकि इसका लुक और ज्यादा बढ़ जाए। इसके बाद यार मैं इसमें कुछ बड़े पाइन ट्री भी यानी कि पाइनी ओक ट्रीज को भी ऐड कर देता हूँ। इन सबको ऐड करने के बाद मैं इसके साइड पे यार कुछ ग्रास और फूल को भी ऐड कर देता हूँ, जिसके बाद यार हमारा मैप बहुत ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर बात थी यार हमारी गेम ग्रेट दिखनी चाहिए यार। इसके साथ ही मैं अपने सेकंड लेवल को भी बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ धीरे धीरे। अपने सेकंड लेवल को जैसे मैं बिल्ड कर लेता हूँ, और यार सेकंड लेवल मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, फिर तुम लोग गेम खेल के क्या करोगे यार। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो और इसे खेल लो और सेकंड लेवल को भी खुद ही देख लो। अगर तुम लोग यहां तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आ रही थी अपने कार के लिए फ्यूल सिस्टम को बनाने की, मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। फिर क्या था, मैं अपना मुंह उठा के चल दिया ज्ञान के भंडार यूट्यूब के पास। यूट्यूब पे थोड़ा देखने और सीखने के बाद फाइनली मेरे को समझ लग जाती है मैंने अपना फ्यूल सिस्टम किस तरह से बनाना है। उसके बाद मैं अपनी कोडिंग करना शुरू कर देता हूँ। थोड़ी देर कोडिंग करने के बाद फाइनली मेरा फ्यूल सिस्टम बनके तैयार हो जाता है। और यूआई को और अच्छा दिखाने के लिए मैं उसमें फ्यूल का कैन को भी ऐड कर देता हूँ, उसकी इमेज को भी एडजस्ट कर देता हूँ। इन सबको ऐड करने के बाद यार मेरे को पता नहीं क्या सुजीत, मैंने इसमें यूआई टच बटन भी ऐड कर दिया। अब तुम लोग इसे मोबाइल में भी खेल सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, वहां से तुम लोग डाउनलोड करो और इसे खेलो। यार अब बारी थी इनके मेन्यू को बनाने के लिए, जैसे स्टार्ट मेन्यू और पॉज मेन्यू। यार वैसे अभी तक मैंने कोई गेम में मेन्यू बनाया ही नहीं है, इसलिए यार मुझे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कौन सा सीन कब लोड करना है यार ये मेरे को पता ही नहीं चल रहा होता यार। जैसे तैसे करके मैं रिज्यूम बटन, बैक टू मेन्यू बटन और क्विट बटन को पॉज मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। यार इन सबको ऐड करने के साथ साथ मैं इसका स्टार्टर मेन्यू को भी बिल्ड कर लेता हूँ, जो कि तुम लोग गेम में ही देखोगे। यार इसको बिल्ड करने के बाद फाइनली यार मेरी गेम कंप्लीट होने के बिल्कुल पास थी। और दोस्तों ये रही मेरी पहली कंप्लीट गेम। और भाई डिमन गॉड तुम नाराज मत होना, क्योंकि यार मेरे पास अभी RTX है ही नहीं, ऑन कैसे करूं यार। फिलहाल तो मैंने ये गेम PC के लिए और मोबाइल के लिए दोनों के लिए बना दिया, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से तुम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे खेल सकते हो। Bye.